प्रेमी सज्जनों महात्मा गण, गण तथा दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्तों आज लगभग दो साल के उपरांत इस सिलीगुड़ी में मानव धर्म सम्मेलन का सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जैसे कि आप सब लोगों को विदित है कि पिछले दो वर्ष इस कोरोना काल की भीड़ चढ़ गए गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन निर्देशित हो गई थी कि कहीं भी लोग इकट्ठा नहीं होंगे लोगों को घर से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी तो ऐसे में महाराज जी के कार्यक्रम जहां असंख्य भक्त समाज आता था वो कैसे संभव हो सकता था तो इसलिए जो है दो साल निकल गए और जब ये कोरोना की गति कुछ धीमी हुई तो मार्च से ये गाइडलाइन आई कि अब आप प्रोग्राम कर सकते हैं तो उसके बाद से गुरु महाराज जी के कार्यक्रम जो है फिर से आरंभ हो गए और इसी को क्रम को करते हुए अभी हम लोग कलकत्ता आपके आसाम से होते हुए आपके सिलीगुड़ी में पहुंचे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है असंख्य भक्त समाज अपने गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए उनके सत्संग के श्रवण के लिए एकत्रित हुआ है और वैसे भी आपका ये जो सिलीगुड़ी का प्रोग्राम ये भारतवर्ष नहीं बल्कि विदेशों तक भी जो है फेमस हो चुका है <laughs> और अगर कोई विदेश से इंडिया आना चाहता है तो उसकी एक ही इच्छा होती है कि अरे हम उस समय में जाएं कि जब हम सिलीगुड़ी का भी प्रोग्राम देख लें <laughs> और इस वर्ष भी विदेश के कोने कोने से भक्त समाज यहाँ पे पहुँचा हुआ है और पूरे भारत देश में अपने अपने टेलीविजन के द्वारा सभी भक्त समाज बाई जी लोग अपने अपने देशों में बैठ के इस कार्यक्रम को देख रही हैं। मैं तो शुरू से यही कहती आती हूँ कि भाई देखे गुरु महाराज जी के भक्तों भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में जगह जगह हैं लेकिन सबसे भाग्यशाली भक्तों को मैं यहीं के भक्तों को मानती हूँ सिलीगुड़ी के भक्तों को मानती हूँ कि आपको हर साल आप लोगों को यह प्रोग्राम मिल जाता है और अब तो और भी सोने पे सुहागा हो गया कि आपको प्रोग्राम के साथ साथ जी का भी जन्मोत्सव देखने को मिल जाता है जैसे जब बाजार में आप दे देखते होंगे तो जब जा, आप जाते हैं आप लोग बाजार में तो जब सेल लगती है तो उसमें लिखा रहता है बाय वन गेट वन फ्री तो वही स्थिति आप लोगों की भी हो गई सिलीगुड़ी वालों को पहले एक प्रोग्राम मिलता था सत्संग का अब साथ साथ जो है आपको एक जन्मदिन भी साथ में आपको फ्री में मिल रहा है तो आपको दो दो प्रोग्रामों का लाभ मिलता है नव नववर्ष आपके यहाँ पे हर वर्ष मनाया जाता है कितने लोगों की उम्मीद होती है कई जगह के भाई जी महात्मा जी पहले कहते थे कि माता जी अब सिलीगुड़ी में देते हैं हम लोगों को भी दे दो नव वर्ष का प्रोग्राम तो भाई देखो आप लोगों का कभी कर्मों का कोई फल ही होगा कि गुरु महाराज जी ने आप ही लोगों के लिए नव वर्ष जो है निर्धारित किया हुआ है कितने भक्तों की ये दिली ख्वाहिश होती कि हम भी नव वर्ष गुरु महाराज जी के साथ मनाएं। लेकिन जो है इतना भक्त समाज है पूरे विश्व में फैला हुआ है तो हर भक्त तो नहीं आ सकता लेकिन आप लोग लकी हैं भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज जी स्वयं आपके यहाँ हर वर्ष दौड़े दौड़े चले आते हैं तभी तो कहा है कि जो है भक्ति जो है भगवान के पास नहीं आता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान भी भक्त के पास दौड़ा दौड़ा चला आता है तो वही स्थिति आप लोगों की है कि हर वर्ष गुरु महाराज आपके पास दौड़े दौड़े चले आते हैं तो देखो उनकी कितनी विशेष कृपा विशेष अनुकंपा आप लोगों के ऊपर है इसलिए उनकी ये जो आपके ऊपर जो विशेष अनुकंपा है विशेष कृपा है विशेष आशीर्वाद है उसको हमें अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलना चाहिए हमेशा अपने हृदय में उसको आत्मसात करना चाहिए कोरोना काल हुआ लोगों को सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई लोग क्योंकि आश्रम बंद हो गए थे नहीं जा सकते थे लेकिन गुरु महाराज जी ने आपको जियो के द्वारा इंटरनेट के द्वारा आप लोगों को बाई जी लोगों के द्वारा महात्मा जी लोगों के द्वारा आप लोगों को सत्संग की कमी नहीं महसूस होने दी और प्रेमी लोग कहते थे कि हमें तो पहले से भी ज्यादा सत्संग और गुरु महाराज जी के दर्शन टीवी के माध्यम से जियो के माध्यम से हो रहे हैं तो गुरु महाराज जी ने तो आपके ऊपर हमेशा कृपा को बरसा के रखा ये तो भक्ति होता है जो अपने अभिमान में अहंकार में होके वो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है और अगर हम निरंतर गुरु महाराज का सुमिरण करें उनको अपने हृदय में हमेशा याद करें तो हम बड़े से बड़े कष्टों को भी हम उसको पार कर सकते हैं अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ ये हमारे ग्वालियर में एक प्रेमी के साथ घटित हुई हम लोग झांसी गए थे प्रोग्राम में वहाँ ग्वालियर से बाई जी आई जिस समय करोना समाप्त हो गया था तो बाई जी बताने लगी कि माता जी जब करोना समाप्त हुआ प्रेमी लोग आश्रम में आने लग गए तो एक प्रेमी आया और उसने अपने जीवन की घटना बताई उसने कहा भाई जी मैं भी कोरोना से ग्रसित हो गया था और मुझे भी मेरे घर वालों ने एक अस्पताल में एडमिट कर दिया अस्पताल में कोई कमरे तो थे नहीं लेकिन जो हॉल था उस हॉल में मुझे एक पलंग मिल गया और वो हॉल में जो थे पचास हम लोग कोरोना से ग्रसित उसमें महिला पुरुष सब उसी में थे काफी दिन जो ऐसे हो गए क्योंकि एकदम से तो कोरोना जाता नहीं था करोना किसी पंद्रह दिन में जाता था किसी से बीस दिन में किसी पच्चीस दिन में किसी में महीने महीने में जाता था तो कहते कुछ दिन बीते तो मैंने देखा कि किसी दिन कोई पुरुष की मृत्यु हो रही है किसी दिन कोई महिला जा रही है किसी दिन कोई युवा जा रहा है और धीरे धीरे करके वो जो था हॉल आधा रह गया अब कहते जब मैंने देखा कि हॉल आधा रह गया ये तो आधे लोग जा चुके हैं तो कहते मेरे मन में बड़ी घबराहट हुई अब तब मुझे याद आई अरे भई गुरु महाराज जी का दिया हुआ मेरे पास भी जो है वो नाम है वो ज्ञान है तो कहते कि भाई जी होता है ना कि जब व्यक्ति के अंदर आता है कि जब कठिन समय आता है सुख में तो याद करता है, नहीं लेकिन दुख में जो है सारी बातें याद आने लगती हैं तब कहते मुझे भी गुरु महाराज जी याद आ गए उनका नाम याद आ गया और मैं भी फिर जो है भजन में बैठ गया और कहते क्योंकि मौत देख रहा था सामने धीरे धीरे करके कहते ये स्थिति आ गई कि 49, 50 में से 49 जो थे उस कमरे से मैं उतने आदमियों की मृत्यु हो गई अकेला मैं ही उस हॉल में बच गया अब मैंने कहा मैं भी नहीं बच सकता अब मेरी भी मृत्यु जो है सब चले गए तो मैं भी नहीं बचूंगा कहते फिर मैं तो इतने ध्यान लगा के बैठा कि अपने जीवन में मैं कभी नहीं बैठा था क्योंकि इतना भय तो मैं कभी रह ही नहीं था इतना तो मैंने देखा नहीं थी अपनी मौत को इतनी करीब से तो मैं इतने ध्यान में बैठ गया कि मुझे अब किसी की कि सुधि नहीं रही और फिर कहते अचानक मैंने क्या देखा कि मेरे सामने जो डॉक्टर साहब खड़े थे कहते जब तक करोना था हमारे उस हॉल के अंदर कभी डॉक्टर कोई नहीं आता था देखने के लिए कभी कोई नर्स आके कोई वार्ड बॉय आके कभी दवाइयाँ दे जाता था और कोई हमारे लोगों की कदर नहीं होती थी लेकिन जो वहाँ का बड़ा डॉक्टर था वो आया और उसने कहा कि उसने मुझे उठाया और कहा कि आप डरिए नहीं आप मेरे पिता के समान हैं और आप घबराइए नहीं आपको कुछ मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा और उस दिन से कहते उसने मेरी इतनी देखभाल करी मेरे को समय समय पे दवाई दी मुझे अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई तो उसने मुझे ऑक्सीजन भी दी और कुछ दिन में जो है मैं ठीक हो के मेरी छुट्टी हो गई मैं घर आ गया तो कहते मैंने जब भजन किया तो मेरे भजन से कहते कि गुरु महाराज जी ने उस डॉक्टर के हृदय को परिवर्तित कर दिया और वो जो डॉक्टर जो कभी भी नहीं आता था उस हॉल के अंदर उस वार्ड के अंदर वो डॉक्टर स्वयं आया अब स्वयं रोज सुबह शाम आके उसने मेरी देखभाल की और कहता आज देखो बाई जी मैं गुरु महाराज जी की कृपा से और उस भजन की कृपा से जो है देखो मैं आज आपके बीच में फिर से खड़ा हो हो रखा हूँ तो ये आज के समय की ये बात है इस कलिकाल के समय की कलयुग की ये बात है घटना है क्योंकि मैंने खुद देखा कि जब कोरोना लोगों में आया तो कितने लोग भय से ग्रसित होके उन्हें हार्ट अटैक हो गए उन्होंने अपनी जान गंवा दी भयभीत हो गए कि बस कोरोना हो गया अब क्या हो सकता है अब क्या क्या होगा हमारा और भयभीत होके उनकी जाने चली गई लेकिन जो मौत से डरे नहीं भयभीत नहीं हुए जिनको अपने नाम पे विश्वास था गुरु महाराज जी पे विश्वास था वो उस कठिन काल से भी पार हो गए इसलिए जो है विश्वास सबसे बड़ी चीज है हमें हमेशा अपने गुरु महाराज जी पे अटल और अधिक विश्वास रहना चाहिए जैसे कोई कितना ही बड़ा नाविक क्यों ना हो नाव चलाने वाला क्यों ना हो अगर वो अपने नाव चलाने की कला पे ही अभिमान अहंकार कर ले और कहे कि नहीं मैं तो बड़े अच्छी नाव चलाता हूं मैं तो एक क्या दो दो नाव भी चला लूंगा एक साथ और जो वो नाव चलाने वाला अगर दो नाव रख ले और एक पांव एक नाव में और दूसरा पांव दूसरे नाव में रखेगा और अभिमान अहंकार से ग्रसित होकर नाव चलाने लगेगा तो क्या होगा आगे अगर पानी का वेग बड़ा बढ़ गया या कोई छोटा सा भी भंवर आ गया तो क्या होता है चाहे कितने से कितना ही निपुण वो नाविक क्यों नहीं होगा उसकी नाव जो है उस भवन में डूब के भवन में डूब जाएगी क्योंकि आप दो नावों को नहीं संभाल सकते ठीक इसी तरह से हमारा मन भी है अगर हमारा मन जो है डावा डोल है हमारा मन स्थिर नहीं है हमारा मन शांत नहीं है हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है विचरण कर रहा है तो हम चाहे ज्ञान को भी प्राप्त कर ले, लेकिन हमारे मन में वो शांति वो सुकून नहीं मिल सकता और अभिमान अहंकार जहाँ रहेगा तुम्हाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि जब व्यक्ति के हृदय के अंदर अभिमान अहंकार आता है तो वही व्यक्ति चाहे कितने ऊंचे पद में क्यों ना पहुंच जाए एक दिन वो अपने पद से जरूर नीचे गिरता है क्योंकि अभिमान अहंकार उसको बहुत समय तक उस ऊंचाई तक नहीं ठहर सकता वो एक ना एक दिन तो गिरेगा ही गिरेगा इसलिए हम भी अपने जीवन में उस अभिमान अहंकार को अपने जीवन में ना आने दें और वो तभी संभव होगा जब हम निरंतर अपने हृदय में गुरु महाराज का सुमिरन करेंगे शुद्ध मन वचन और कर्म से अपने गुरु महाराज जी का सुमिरन करेंगे उनका ध्यान करेंगे और उनकी सेवा करेंगे एक किसान भी अपने खेत में जब कार्य करता है तो वो भी जब बीज बोने से पहले ऐसे ही बंजर खेत में बीज को नहीं डाल देता है। उस खेत की पहले वो जुताई करेगा नलाई करेगा हल चलाएगा अब तो आधुनिक समय हो गया हल तो रहे नहीं है ज्यादा ट्रैक्टर का समय आ गया ट्रैक्टर चलाएगा और उसमें जो पहले की जड़ें होंगी कंकड़ होगा पत्थर होगा उस सब को निकालेगा अपने खेत को जो है अच्छा करेगा और उसमें पानी भी डालेगा और जब खेत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा तब किसान उसमें बीज डालता है और जब किसान जितनी मेहनत अपने खेत में करेगा उतनी अच्छी फसल उसको प्राप्त होगी और जो किसान कहेगा कि भाई मुझके तो क्या जरूरत है ऐसी बंजर खेत में बीज डाल दूं वो बीज डालेगा तो क्या होगा कुछ बीज तो चिड़िया खा जाएंगी कुछ बीज जो है बंजर भूमि में पड़ेगा तो वो जमेगा ही नहीं तो कुछ बीज इधर उधर हो जाएगा तो उसकी फसल ही उस किसान को प्राप्त नहीं हो सकती अच्छी फसल नहीं प्राप्त हो सकती उसको फसल मिलेगी नहीं ठीक यही स्थिति हम सब भक्तों की भी है हम सब जीवों की भी है गुरु महाराज ने हमारे हृदय रूपी खेत में वो ज्ञान रूपी बीज को रोपित किया है गुरु महाराज ने तो रोपित कर दिया लेकिन अब भक्त का एक कर्तव्य होता है एक फर्ज होता है कि हम उस बीज में हम निरंतर सत्संग रूपी वर्षा करें और सेवा रूपी खाद को डालें और जो भक्त निरंतर अपने हृदय रूपी खेत में जो बीज गुरु महाराज ने ज्ञान रूपी बीज को बोया है उसमें निरंतर सत्संग रूपी वर्षा करेंगे रूपी खाद डालेंगे तो हमारा ज्ञान रूपी बीज भी उतना ही अच्छा पलवित होगा जितना कि उस किसान ने अपने खेत में मेहनत करी है तो हमें भी निरंतर गुरु महाराज की सेवा करनी है उनका भजन और सुमिलन करना है जिसे हमारे ज्ञान रूपी बीज भी हमेशा पलवित हो सके गुरु महाराज ने वो ज्ञान दिया इस कलिकाल में वो बेशकीमती ज्ञान दिया जो कि कल आदि में भगवान सूर्य को मिला था सूर्य ने उसको राजाओं में बांटा राजाओं के बाद विस्वाकों में फैला और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में अठारह क्षणी सेना के बीच में कहते हैं कि अर्जुन वो ज्ञान कुछ समय के लिए लुप्त हो गया था लेकिन आज मैं वही ज्ञान तुझे प्रदान करता हूँ और उन्होंने वो ज्ञान जो था अर्जुन को दिया जिस ज्ञान को पाकर जो अर्जुन डिसअपॉइंटेड हो गया था वो डिसअपॉइंटेड उसने छोड़ा और जो युद्ध करके उसने युद्ध में विजय प्राप्त करी तो वह ज्ञान जो इतना पुराना कल्प के आदि का जो ज्ञान है वो ज्ञान गुरु महाराज ने हम सबको इस कलिकाल में हमको दिया है तो ऐसा बेशकीमती ज्ञान ऐसे बहुमूल्य ज्ञान की आप लोगों को कद्र करनी चाहिए जो भक्त कदर करता है वो अपने जीवन को सफल करता है और जो भक्त इसके कदर नहीं करता वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता इसलिए हम गुरु महाराज ने जो हमें मार्ग बताया सत्य के मार्ग पे चलने का धर्म के मार्ग में चलने का न्याय के मार्ग में चलने का कल्याण के मार्ग में चलने का नीति के मार्ग में चलने का उसी मार्ग में हम सब भक्तों को चलना है और जो भक्त निरंतर अपने गुरु महाराज जी के निर्देशों पर चलता है उनके आदेशों का पालन करता है उनकी आज्ञा में रहता है वही भक्त उस परम धाम को प्राप्त करता है और वही परम धाम में पहुंचने के बाद जहाँ से जीव फिर कभी इस धरा धाम में नहीं लौटता है जिसके लिए भगवान कहते कि जब तू मेरे परम धाम में आएगा तब तुझे किसी भी आने जाने की तुझे कहीं ज़रूरत नहीं होगी तू मेरे धाम में आके मेरा ही होके रह जाएगा तो हमें भी ऐसे कर्म करने हैं कि जो भी हम परम धाम में जाए तो फिर वहाँ से नहीं लौटें नहीं तो क्या होगा चौरासी लाख योनि में यहीं भटकना पड़ेगा आप सब जानते हैं कि चौरासी लाख योनियों का भोग करते करते आदमी को मनुष्य योनि प्राप्त होती है और मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी अगर हमने अपने जीवन को जो है एक पशु के समान एक पक्षी के समान एक कीट पतंगों के समान ही जिया तो हमारा मनुष्य देह प्राप्त करने का कोई लक्ष्य नहीं रह जाएगा कोई हमारा एम नहीं रह जाएगा हमने पशु के समान ही भोजन करके अपनी शुदा को समाप्त कर लिया जानवर की तरह ही इधर उधर ढूंढ के पानी पी के अपनी प्यास को समाप्त कर लिया पशुओं के समान ही अपने परिवारों का जो है विस्तार कर लिया तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा मनुष्य योनि को इसीलिए जो है सारी योनियों का सरताज इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य योनि में पाके ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं पशु योनि में पक्षी योनि में कीट पतंगों की योनि में जाके हम सब कुछ कर सकते हैं हम अपनी भूख भी समाप्त कर सकते हैं हर जानवर हर पक्षी हर कीट पतंगा जो है अपनी जो है भूख को शांत कर लेता है हर जानवर जो है किसी तालाब में जाके किसी किसी पोखर में जाके, किसी नदी नाले में जाके जाके नदी नाले अपनी प्यास को शांत कर लेता है। हर जानवर भी अपने परिवार को जो है विस्तार कर लेता है ये सब तो कर लेता है लेकिन केवल एक चीज प्राप्त नहीं कर सकता वो आप लोगों के जैसे बैठ कर सत्संग का श्रवण नहीं कर सकता और सत्संग के श्रवण को प्राप्त करके उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता इसलिए जो है जब प्रभु परमात्मा ने मनुष्य योनि हमें दी है तो योनि क्यों दी है वो इसीलिए दी है कि हम इस योनि में प्राप्त होके हम इस ज्ञान को प्राप्त करें इसीलिए जब बच्चा जब अपनी मां के गर्भ में होता है नौ महीने उल्टा लटका रहता है तो वो प्रभु परमात्मा से यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझको इस दलदल से निकाल मुझको इस कीचड़ से निकाल मैं बाहर आऊँगा तो तेरा जो है सुमिरण करूंगा तेरी याद करूँगा तेरी तेरे को हमेशा जो है सुमिरण करूँगा लेकिन जैसे जब जीव जो है धराधाम में आता है बड़ा होता है तो धीरे धीरे करके वो सब बातें भूलने लगता है और फिर वो भूल जाता है कि बाके गर्भ में मैंने भगवान से क्या एक कॉल करी थी क्या प्रार्थना करी थी क्या उनसे वादा किया था और उस वादे को हम भूल जाते हैं तब संसार में आके गुरु महाराज हमको वो कॉल को वो जो वादा था उस वादे की याद दिलाते हैं और जो जीव उस वादे को याद करके उस वादे को याद करता है ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में धारण करता है तो तो लक्ष्य चौरासी से बच जाता है और जो उसको ध्यान नहीं करता उसको याद नहीं करता वो फिर इस लक्ष्य चौरासी में ही भटकता रहता है तो आइए हम जो गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया और जो ज्ञान की कमाई जो नाम की कमाई हमारे जीवन में साथ जाएगी उस ज्ञान की कमाई का उस नाम की कमाई का हम अपने जीवन में जो है संग्रह करें उसका संचय करें लेकिन मनुष्य संसार में आता है बड़ा होता है और बड़े होके केवल एक ही उसकी धुन रहती है कि भाई मैं कैसे धनवान हो जाऊँ कैसे मेरे पास धन आ जाए कैसे अच्छी नौकरी मिल जाए कैसे मेरे पास भी अच्छी गाड़ी हो जाए कैसे अच्छा मकान हो जाए कैसे अच्छा पद मिल जाए इसी उधेड़ में लगा रहता है और माया की जितनी भौतिकवाद की जो चीजें होती उन चीजों के संग्रह में व्यस्त हो जाता है और सारा समय जो है सारी जिंदगी इसी में निकाल देता है और भूल जाता है कि जितना मैं संचय कर रहा हूं जितना संग्रह कर रहा हूं ये मेरे साथ नहीं जाएगा अगर साथ ही जाना होता तो हमारे पूर्वजों के जो बड़े बड़े मकान थे वो भी पूर्वजों हमारे पूर्वजों के साथ ही चले जाते जाना ही होता तो थे राजाओं के जो महल थे बड़े बड़े महल वो भी उन्हीं के साथ चले जाते राजाओं की धन दौलत उनके सेनापति उनकी सेना उनके जेवरात सब उनके साथ चले जाते लेकिन नहीं आप सब जानते हैं हम अपने घर में ही देख लें हमारे पूर्वज ने जो घर बनाया था जो धन संपत्ति इकट्ठी की थी वो भी सब यहीं छूट गई जैसे वो नहीं ले जा पाए वैसे हम भी कल नहीं ले जा पाएंगे हम भी एक सुई की नोक के बराबर धन नहीं ले जा सकते और तो और जब जो है बॉडी शमशान में जाती है तो शमशान में जो कर लेने वाला होता है वो तन में छे गज का कपड़ा भी साथ नहीं जाने देता वो भी उतार लेता है तो जब हम इतना भी अपने साथ सुई के बराबर नोक भी अपने साथ नहीं ले जा सकते धन नहीं ले जा सकते तो हम इतना धन जो संग्रह कर रहे हैं वो कैसे ले जा सकते हैं? लेकिन संसारी जीव इस बात को नहीं समझता और जो है वो पूरी उम्र इसी में अपनी गंवा देता है क्योंकि जो धन का मोह है धन का जो लालच है वो कभी भी समाप्त नहीं होता जैसे एक व्यक्ति पुराने समय की बात है वो जाता है एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था पहले आजकल की तरह ट्रेन नहीं होती थी हवाई जहाज नहीं होते थे गाड़ियां नहीं होती थी बसेस नहीं होती थी तो आदमी पैदल ही जाता था कोई पैदल जाता था जो पैसा वाला होता था उसके पास घोड़ा हो जाता था घोड़े से चला जाता था किसी पास बैल होती थी बैलगाड़ी से जाता था तो पैदल ही जा रहा होता तो जब काफी अंधेरा हो गया तो उसको आवाज आई कि सात घड़े धन लोगे तो आदमी को बड़ा आश्चर्य होता है इधर उधर देखता है यहां तो कोई भी नहीं है फिर थोड़े दूर उसने सोचा मुझे भ्रम हो गया फिर आगे चारा चलता है दो चार कदम आगे चलता है तो फिर उसको आवाज आती है सात घड़े धन लोगे तो व्यक्ति के मन में लालच आ जाता है कहता हैं हाँ हाँ लूंगा कहते जाओ घर जाओ तुम्हारे घर में सात घड़े धन तुम्हें मिलेगा वो जो व्यक्ति था धन के लालच में जहाँ जाना था वहां तो जाता नहीं वापस अपने घर लौट आता है घर आता है घर के कमरे में पहुँचता है तो सात बड़े बड़े घड़े पड़े होते तो वो फौरन एक घड़े का को खोलता है तो देखता है उसमें धन पड़ा हीरे पड़े हुए हैं पड़े हुए हैं सोना पड़ा चांदी ऐसे करके जो है छः घड़े पूरे सोने जवाहरात हीरे मोती सबसे भरे हुए और जब वो सातवां घड़ा खोलता है तो उसमें देखता है कि वो घड़ा जो है तिहाई भरा हुआ है एक हिस्सा वह भी खाली है तो वो तो व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है कि अरे सात घड़े इतने बेशकीमती हीरे जवाहरात सब मुझे मिल गए बड़ा खुश हो जाता है उन्हें बंद करके रखता है और कहता है लेकिन ये सातवां घड़ा जो है अभी थोड़ा सा एक चौथाई रह गया इसको मैं भर लूँ वो क्या करता है अपने घर में जितना भी उसके पास होना चांदी जो भी होता धन होता है वो सब उस घड़े में डाल देता है कि ये घड़ा अब भर जाएगा सातों घड़ों को मैं बंद करके रख दूंगा तो देखता है क्या वो तो घड़ा था वैसे का वैसे रहता है वैसे खाली रहता है आधा एक चौथाई वैसे खाली होता है फिर उसको बड़े कहता कोई बात नहीं मेरे पास जो है राजा के यहाँ वो नौकरी कर रहा होता है कहते राजा के यहाँ से जो नौकरी मिलेगी इस बार मैं क्या करूँगा बहुत कम खाना खाऊंगा और जो कपड़े में भी मैं खर्च करता खरीदता था कपड़ा भी नहीं खरीदूंगा वो पैसा भी मैं जमा कर लूंगा और इस घड़े को भर दूंगा महीना समाप्त होता है तनख्वाह मिलती है और वो जो है व्यक्ति जो है खाना भी नहीं खाता है। बहुत थोड़ा थोड़ा खाए जिससे कि भूखा प्यासा रह के मैं धन बचा लूं और जो बचा हुआ धन था उसने आखिरी में अंत में वो भी डाल दिया फिर वो घड़ा खोलता है देखता है फिर घड़ा वैसी का एक चौथाई खा ली फिर बड़ा परेशान होता है कहता तो मैं क्या करूं तो राजा के पास कहता है राजा राजन महंगाई बहुत बढ़ गई है मेरा इस तनख्वाह से मेरा गुजारा नहीं होता मेरी तनख्वाह दुगनी कर दीजिए राजन कहता है कोई बात नहीं चलो तुम बहुत समय से काम कर रहे हो मैं तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर देता हूँ वो जो है उस व्यक्ति की तनख्वाह दुगनी कर देता है दुगनी तनख्वाह मिलने के बावजूद भी वो जो वैसे ही कम खाता है कपड़े नहीं खरीदता बीमार होता दवाई पे नहीं पैसा खर्च करता कुछ नहीं करता कि धन बचा के मैं सातवां तो घड़ा भर दूं, फिर जो अंत में जो पैसा बचता महीने के अंत में वो उसमें फिर डाल देता है फिर देखता तो घड़ा फिर वैसी का वैसी और बेचारा जब महीन, जब तुम ढंग से खाओगे नहीं पानी नहीं पियोगे कुछ नहीं करोगे तो आदमी तुम्हारा शरीर तो दुबला होगा हो ही होगा वो शरीर भी उसका दुबला हो जाता है रंग भी काला पड़ने लगता है केश भी सफेद होने लगते हैं बड़ी हालत दुर्बल हो जाती है कमजोरी भी आने लगती है चलता तो कमजोरी भी आने लग गई बड़ी मुश्किल से राजन के पास फिर पहुंचता है कि राजन जब राजन मेरा गुजारा नहीं हो रहा मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए तो राजन देखता है कहते अरे तुम्हें पहले में और तुम्हें अब देखने में तुम्हें तो बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया तुम तो पहले बड़े हष्ट थे तुम्हारा चेहरा खिला हुआ था तुम तो बड़े जवान लगते थे अब तुम इतने बूढ़े से लग रहे हो बीमार लग रहे हो क्या बात है वो तो वो तो, तो बात बताता नहीं कि मुझे सात घड़े मिले थे लेकिन राजन जो है समझ जाता है कहते अरे कहीं तुम्हें वो सात घड़े धन वाले तो नहीं मिले तो उस व्यक्ति को बड़ा बड़ाश्चर्य के राजन आपने कैसे जाना कहते हाँ वो जब मैं एक बार मैं भी जब जंगल से जा रहा था मुझे भी वो आवाज़ सुनाई दी थी कि राजन तुम्हें सात घड़े धन के चाहिए वो यक्ष था यक्ष वो आवाज़ दे रहा था तो मैंने उससे यही कहा था कि यक्ष वो धन जो है खर्च करने के लिए कि केवल रखने के लिए तो मेरी ये आवाज़ सुन के वो जो यक्ष जो था वो गायब हो गया और घड़े भी गायब हो गए तुम फौरन जाओ अपने घर जाओ और उन घड़ों को वापस कर दो तो तो व्यक्ति जो था राजन की बात को सुनता है और समझता है कि हाँ भाई राजन जो है बात सही कह रहा है वो घर जाता है तो उसके साथ घड़े वहां पड़े होते हैं तो वो कहता है कि यक्ष मुझे तुम्हारे साथ घड़े नहीं चाहिए धन के तुम ये धन के घड़े जो है वापस ले जाओ तो वो व्यक्ति क्या देखता है वो सातों घड़े जो है गायब हो गए वो सातों घड़े तो गायब हो गए लेकिन वो जो व्यक्ति जो है अपना माथा पीट के रह जाता है कहते इतने महीनों से जो मैं अब खा नहीं रहा था पी नहीं रहा था अपने पे खर्च नहीं कर रहा था वो सारा जो धन था मेरा इतने समय का बचाया हुआ धन था वो धन भी मैंने इस घड़े में डाल दिया और वो मेरा धन तो वो तो धन जो था वो तो वैसे ही धन था और जो मेरा अपना असली धन था वो धन भी मेरा इस लालच में इस मुंह में वो धन भी वापस चला गया वो अपना सर पीट के रह गया तो ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं ये सब हम सब जीवों की कहानी है ये सब ये कहानी हमारे जीवों पे ही चरितार्थ होती है कि हम भी इस धरा धाम में आके उसी तरह से इस निन्यानवे के चक्कर में फंस के उस घड़े को कैसे भरूं उसी चक्कर में लगे रहते हैं और जो असली कमाई है जो नाम की कमाई वो ज्ञान की कमाई उस ज्ञान की कमाई नाम की कमाई के बारे में हम जानना नहीं चाहते हम उसको पूछना नहीं चाहते गुरु महाराज इस बारे में बताते हैं संत महात्मा इस बारे में आपको जनाना चाह चाहते हैं आपको बताना चाहते हैं लेकिन व्यक्ति के लिए सब कामों के लिए समय है घूमने फिरने के लिए समय है बाजार जाने के लिए समय है अपने मित्रों मित्रोंष्टों के घर में जाने के लिए समय है परिवार में समय बिताने के लिए समय है लेकिन जो है हम वो ज्ञान के बारे में पूछे सत्संग में गुरु दरबार में जाएं उसके लिए व्यक्ति के पास समय नहीं रहता कितने बाई जी महात्मा जी बताते हैं कि जब हम प्रेमियों को कहते हैं संसारी जीवी को समझाते हैं कि चलो भाई दो दिन का सत्संग हो रहा है या तीन दिन का सत्संग हो रहा है चलो तो सौ बहाने बना देते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है कोई कहेगा नहीं हमारी तबीयत तो ठीक नहीं है कोई कहेगा हमारे पास पैसा नहीं है जाने के लिए सौ बहाने बना लेता है लेकिन अगर उसी समय कोई मित्र आ जाए कहेगा चलो मित्र एक प, जो है शहर में बहुत अच्छी पिक्चर आई है चलो देखने तो फौरन आदमी उसी समय तैयार हो जाता है तब तो पैसा भी आ जाता है समय भी निकल जाता है अगर किसी को सर दर्द हो रहा था तो सर दर्द भी गायब हो जाता है तो ये आज जो है समय की स्थिति हो गई है अब तो सबसे बड़ी बीमारी मोबाइल की बीमारी लग गई है सबसे बड़ी बीमारी आज व्यक्ति के पास पहले की जो थी महिलाएं थी कितना काम करती थी घर का सारा खाना बनाना घर की साफ सफाई करना कपड़े धोना पहले तो कुछ नहीं होता था मिक्सी से नहीं होती थी मसाले भी सिलबट्टे में पीसते थे ओखली में मसाला कूटते थे चटनी उटनी सब उसी में सिलबट्टे से बनाते थे और उसका स्वाद ही अलग होता था लेकिन अब जैसे जैसे जितनी फैसिलिटीज आई जितनी जितनी मशीनें लगी तो आज जो है हम जो है सब उन मशीनों पर निर्भर हो गए कपड़े भी मशीन में डाल देने हैं अब तो ऑटोमेटिक है फिर वो भी कपड़े भी सुखा देती अब सुखाने भी नहीं पड़ते मिक्सी में जो है सब कुछ कर लो पहले तो हाथ से जूस निकाला जाता था एक मशीन एक एक होती थी उसके ऊपर मौसमी रखते थे संतरा रखते थे उसको घुमाते थे तब जूस निकलता था अब तो मशीन में भी डाल दो हर काम मशीन में हो गया और क्या हो गया हाथ में एक नई मशीन आ गई है मोबाइल में दिन रात जिसको देखो दिन रात उसी में बैठ सत्संग में भी बैठे लेकिन मोबाइल जरूर चल रहा है इतना भी वो नहीं है कि जितने देर सत्संग में बैठ रहे हैं तो बिना मोबाइल के बैठे मोबाइल की क्या जरूरत है थोड़ी देर बैठे हो तो अपने को मोबाइल से दूर रखो ये जो है एक जैसे कि एक शराबी को शराब की लत लगती है एक जुआरी को जुए की लत लगती है एक सिगरेट को पीने के सिगरेट की लत लग जाती है और उसके बिना नहीं रहता है और एक ड्रग्स को ड्रग बच्चे को ड्रग्स की अगर आदत पड़ जाती है उसके बिना नहीं रह पाता है तो वही आदत जो है आजकल के युवा पीढ़ियों पे हो गई है युवा क्या बूढ़े भी बिगड़े हुए आजकल के तो सबको देखो मोबाइल आज घर में बैठे हो तो घर में चार जने एक अपना मोबाइल देख रहा दूसरा अपना देख रहा तीसरा अपना देख रहा चौथा अपना देख रहा है मेट्रो में बैठो तो मेट्रो में हर आदमी अपना अपना मोबाइल बैठा हुआ है कुछ साल पहले हम लोग लंदन में थे आश्रम से जा रहे थे कहीं हमारे साथ प्रेमी लोग भी थे तो मेट्रो में बैठे वहाँ की तो वहाँ जो थे सब लोग जैसे जो जो भी व्यक्ति चढ़ रहा है चाहे इंडिया में तो हम नहीं बैठे लेकिन बैठे एक दो बार लेकिन ज़्यादा नहीं बैठे लेकिन वहाँ पे हमने देखा हर आदमी तो प्रेमी कहने लगे देखे पहले हम इसी मेट्रो भाई यहीं हम बड़े पले बड़े सब कुछ यहीं पर हुए हैं तो जब हम मेट्रो में बैठते थे तो जो भी व्यक्ति चढ़ता था तो हम हेलो हाई होती थी पूछते थे कहाँ से आ रहे हो कहाँ जा रहे हो अपने हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते थे लेकिन कहते हैं अब व्यक्ति चढ़ता है सामने कौन बैठा है दाएं कौन बैठा बाएं कौन बैठा उसको देखता ही नहीं है सब केवल बैठेंगे और वैसे मोबाइल निकाल के तुरंत शुरू हो जाते हैं यही हाल आपकी दिल्ली की मेट्रो में बैठ जाओ मुंबई की मेट्रो में बैठ जाओ कहीं भी बैठ जाओ वही हालत है सब उसमें बैठ जाते हैं और तो और कोई पति पत्नी भी हैं वो बात बात नहीं करेंगे वो मैसेज देंगे कि हाँ कैसे हो क्या हो क्या लाना वो लाना ये लाना वो करना सब और कुछ नहीं करते एक पीठ कहते कि ऐसी स्थिति है घरों में कि पति उधर मुँह पीट करके लेट जाता है पत्नी उधर पीट करके लेटती है और दोनों के हाथों में मोबाइल हो तो वो चैटिंग कर रहे होते हैं अब भले किससे चैटिंग कर रहे हो पति सामने पत्नी सामने बच्चे घर में किससे चैटिंग कर रहे हो राम जाने वो किससे चैटिंग होती रहती है तो ये सब जो है इस मोबाइल ने सब बिगाड़ दिया भाई जी महात्मा जी कहते हैं अभी हम कलकत्ता में आसाम में थे कहते माता जी पहले इतने सेवक लोग जो थे दरबार में आते थे दरबार में सेवा करने के लिए आते थे लेकिन जब से ये मोबाइल हुआ है लोगों की ही नहीं रहती दरबार में आने की सेवा करने की अभी आसाम में कह रहे थे कि आते हैं सेवा करने के लिए आएंगे आधा घंटा होता नहीं कि मोबाइल उनका निकल जाता है मोबाइल देखने लगते हैं फिर हम आते अरे मोबाइल बंद करो सेवा करो तो फिर वो करेंगे फिर वो फिर कहते हैं अब हमारी ड्यूटी तो यही है कि बार बार उनको देखना मोबाइल बंद करो सेवा करो तो ये बात तो इससे हम अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं। पहले आदमी जो था मोबाइल नहीं था तो समय होता था साहित्य को पढ़ता था किताबों को पढ़ता था दरबार की किताबों को पढ़ता था आज जब से मोबाइल आया लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया कितने कितने जो बुक्स जहां छपती थी वो बुक्स छपना बंद हो गई लोग जो है उनके क्योंकि किताबें नहीं बिकती हैं किताबें कोई पढ़ ही नहीं रहा है सब कुछ मोबाइल में आ गया है और उसी में चैटिंग में समय नहीं मिलता जो लोग किताबें पढ़े तो लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया लोगों से बातें करना छोड़ दिया टीवी आया तो सीरियलों ने एक दूसरे के घर जाना छोड़ दिया बताते हैं लोग कि हम जो है अब पहले तो एक दूसरे के घर जाते थे कोई बीमार तो देखने चले आते थे लेकिन आप कहते हैं कि अगर हम जाते हैं तो घर वाले कहते नहीं वो हमारा तो एक जो सीरियल है फेवरेट सीरियल है वो आ रहा है उसके बाद आना वो नौ बजे ख़त्म होगा तो नौ बजे के बाद आप घर में आइएगा उससे पहले मत आइएगा कहते पति चाय मांगता रहता पत्नी कहती पहले सीरियल खत्म होने तो बड़ा अच्छा सीरियल आ रहा है तब में चाय मिलेगी तुम्हें तब ये स्थिति हो गई है तो इन सब से जो इतना जो हम इसमें फंसे जा रहे ये भी एक दलदल है इस दलदल में मत फंसीये इतना मत फंसीये ये जो चीजें हैं जरूरत के लिए बनाई गई है इसमें डूबने के लिए इस दलदल में फंसने के लिए नहीं बनाई गई हैं जितनी जरूरत है ये नहीं कि इसमें सब बुराइयां बुराइयां अच्छाई भी हैं उसके जो है गुरु महाराज के सत्संग आ रहे हैं तो सत्संग है चाकू होते चाकू से आप फल और सब्जियां काटते हैं लेकिन एक व्यक्ति चाकू से दूसरे व्यक्ति का गला काट देता है ये तो व्यक्ति पे निर्भर है ना कि हम उस चीज का उपयोग कैसे कर रहे हैं तो यही चीज है इन चीजों का इतना अपने जीवन में उपयोग मत करिए कि ये जीवन में हमारे लिए जो है कल ये प्राण घातक सिद्ध होंगी इसलिए इन सब चीजों से दूर होइए आज जो हम देख रहे हैं वो परिवार में वो प्रेम प्यार नहीं देखने को मिल रहा है आज मैं सुबह एक पेपर पढ़ रही थी तो उसमें एक लेख मैंने उसमें पढ़ा एक लेख था उस उस लेख का शीर्षक था मां तो उसने उस लेखक ने इतनी अच्छी बात बताई लिखी हुई थी उसने कहा हम बहुत बड़े बड़े इंजीनियर बन गए हम डॉक्टर बन गए हम आई पी ऑफिसर बन गए हम बहुत बड़े वकील जज बन गए और हमने बहुत धन कमाया बहुत धन कमाने के बाद जो है कहते हैं हमने अपने लिए बहुत बड़ा मकान बना दिया और उसमें हम बड़ा अपने अंदर अभिमान हमारे अंदर आ जाता है कि हमने एक कमरा अपने माता पिता के लिए भी बना रखा है कि हमने तो अपने माँ के लिए अपने पिता के लिए कमरा बना रखा है लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि कभी आपने अपने हृदय में कभी ये बात पूछी है कि अपने, अपने माता के लिए पिता के लिए कमरा बना दिया आप उसमें बड़ा अभिमान और अहंकार आपके दिल में आ गया लेकिन कभी आपने अपने दिल से पूछा है कि जिस कमरे में अपने आप आपने अपने माता पिता को रखा है कितनी बार आप अपने माता पिता को देखने उस कमरे में गए कितनी बार आपने अपने माता पिता के साथ उस कमरे में बैठ के चाय पी कितनी बार आपने अपने माता पिता के संग बैठ के भोजन किया या कितने समय आपने अपने पूरे दिन में अपने, अपने माता पिता को दिया एक घंटा आधा घंटा पंद्रह मिनट दस मिनट पांच मिनट कुछ दिया आपने तो कितने संसार में बैठे इस पंडाल में कितने लोग बैठे होंगे अपने दिलों अपनी जमीर से पूछे अपने हृदय से पूछे कि हम कितना समय अपने माता पिता को दे रहे हैं कितना उनकी माता पिता की सेवा कर रहे हैं पहले के बच्चे होते थे रात होती थी माता पिता के कमरों में जाके उनके पांव दबाते थे सर में दर्द होता तो सर दबाते थे सर में तेल लगाते थे लेकिन आज वो सब बातें गौण होती जा रही हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कोई बिरला घर होगा जहाँ पे जो है ये दिखाई देता होगा नहीं तो ये सब चीजें नगण्य हो चुकी हैं आज हमारे लिए सब चीज के लिए समय है लेकिन अपने ही माता पिता के लिए आज हमारे लिए समय नहीं रह गया है ये एक आधुनिक समाज जो है बनता जा रहा है ये हम जो है हम विकास की तरफ नहीं जा रहे हम विनाश की तरफ जा रहे हैं इसलिए जो है माता पिता की सेवा आज के युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहती हूँ अपने माता पिताओं की अपने बड़ों की चाहे घर में दादा है दादी है नाना है नानी है जो भी घर में बड़े हैं अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करिए और बुजुर्गों की सेवा करके जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो आप जीवन में कितना धन बन एकत्रित कर लीजिए बड़े से बड़े महल बना लीजिए बड़ी सी बड़ी दौलत इकट्ठी कर लीजिए वो आपको सुख चैन सुकून वो आपको नहीं प्राप्त होगा जो आपको अपने वृद्ध जनों की अपने माता पिता की अपने दादा दादी की नाना नानी की सेवा करके आपको मिलेगा तो आप लोग भी जो है इस समाज में जो रह के देखिए अपने हम, हम अपने पिछले जन पहले के देखो अपनी पुरानी पीढ़ी को देखो उन्होंने कितनी सेवा करी कितने कितने कष्ट उठाए पहले कहते थे कि भाई बच्चा होता था माँ गीले में सोती थी और बच्चे को सूखे में सुलाती थी अब तो जमाना बदल गया अब तो डायपर आ गए अब तो कोई माँ ही नहीं कहती कि भाई हम गीले में सोते बच्चा गीले में जरूर सोया रहेगा डायपर क्योंकि डायपर सारी रात चेंज नहीं करोगे तो बच्चा गीले में ही पड़ा रहेगा तो कितने कष्ट सहती थी कितने करती थी लेकिन लेकिन अब जो है हमें भी अपने जो पुराने संस्कार हैं उनको वापस लाना है आज आज आप देख लो अगर एलोपैथिक में कितना रिसर्च गई कितने हो, हो गया लेकिन जो आज फिर से जो है हम फिर आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ जा रहे हैं भाई सभी कहते हैं कि अगर आप एलोपैथिक दवाई ज्यादा सेवन करोगे तो उससे साइड इफेक्ट्स आते हैं आप एक बीमारी ठीक नहीं होगी लेकिन दूसरी बीमारी लग जाती है तो लोग आयुर्वेदिक की तरफ जा रहे हैं कि जो है आयुर्वेदिक दवाई में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और वो बीमारी को जड़ से समाप्त करती है तो ऐसे ही जो है हमें भी अपने जो पुराने संस्कार हैं पुराने हमारे रीति हैं पुराने जो भी हमारे चीज हैं उस तरफ हमको वापस लौटना पड़ेगा वापस जाना पड़ेगा हम इतने आधुनिक ना बने कि हम अपने अपने माता पिता को अपने पूर्वजों को अपने बुजुर्गों को ही भूल जाएं तो आप लोग जो है दो दिन आप लोगों ने गुरु महाराज जी के शरदे जी के और जो है दूर दूर से आए संत महात्माओं के प्रवचनों को सुना उन सब प्रवचन को उन जो है उपदेशों को आप अपने हृदय में आत्मसात करके जाएं, और हृदय तक ही सीमित ना रखें बल्कि उसको अपने जीवन में भी अपनाएं, और उस मार्ग पे चले, जिससे कि हम अपने गुरु महाराज जी के नाम को भी रोशन करें देखिए जो सूरज जब निकलता है तो सूरज का महत्व तो कब होता है उसका महत्व इसमें होता है कि उसकी जो चमक होती है उसका जो प्रकाश होता है उससे सूरज का महत्व होता है चंद्रमा का महत्व क्या होता है उसके अंदर जो चांदनी होती है उसकी जो शीतलता होती है उससे उस चंद्रमा की का महत्व होता है नदी का महत्व कब होता है जब वो नदी में कलकल बहता -कल हुआ पानी होता है तब उस नदी का महत्व होता है अगर नदी में पानी नहीं रह जाएगा तो कोई उसको नदी नहीं कहता इसी तरह से एक बगीचे में जाते हैं और हम पे हम पेड़ देखते हैं तो एक जो है पेड़ में अगर पुष्प खिले हैं सुंदर सुंदर गुलाब खिला है सुंदर सुंदर कमल खिले हैं सुंदर सुंदर आवरी खिली है सुंदर सुंदर डेहलिया खिला है गेंदा खिला है सूरजमुखी खिली है तो उस पेड़ में जब सुंदर पुष्प खिले होते हैं तो उसकी महत्ता उसकी सुंदरता उसमें खिले हुए फूलों से होती है एक वृक्ष को देखते हैं जब उसमें सुंदर सुंदर फल लगे होते हैं चाहे वो आम का हो सेब का हो किसी भी फल का हो संतरे का हो तो उसमें जब फल लगे रहते हैं तो उसकी पेड़ की वो शोभा होती है उसका महत्व होता है अगर पेड़ बूढ़ा हो जाता है उसमें फल लगने बंद हो जाते हैं तो क्या करता है माली क्या करता है जब उस पेड़ को ही काट देता है क्योंकि उसमें फल नहीं लग रहा होता तो उसका महत्व तभी तक है जब उसमें सुंदर सुंदर फूल खिले ठीक इसी तरह सदगुरु की शोभा भी तभी होती है जब उसके शिष्य सदशिष्य होते हैं सत्य मार्ग पे चलते हैं धर्म के मार्ग पे चलते हैं अगर आपका जीवन अच्छा होगा आप सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, धर्म के मार्ग में चल रहे हैं किसी को धोखा नहीं दे रहे किसी से चोरी नहीं कर रहे किसी की डकैती नहीं कर रहे किसी को भला बुरा नहीं कह रहे किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं और आप एक सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं दूसरों की मदद कर रहे हैं दूसरों की सेवा कर रहे हैं तो लोग क्या कहते हैं कि अरे देखो कितने अच्छे गुरु महाराज का शिष्य है क्योंकि हमारा जीवन अब हमारा नहीं रह गया है हमारा जीवन हमारे गुरु महाराज से जुड़ गया है अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे गुरु महाराज का नाम रोशन होता है और अगर हम गलत रास्ते पे चलेंगे तो कल क्या होता है आज कितने गुरु आपने देखा होगा जेलों में पड़े हुए तो गलत काम करते तो होता है तो नाम ही तो बदनाम हो रहा है तो जो है इसलिए जो है गुरु महाराज ने हमें जो एक ज्ञान ज्या, ज्ञान दिया है उस ज्ञान के महत्व को हम लोग समझे और अपने जीवन में रह के खूब ज्ञान का प्रचार और प्रसार करें भाई जी महात्मा जी को सहयोग दें जहाँ आश्रमों का निर्माण हो रहा है और निर्माण में अपना अपना सब सहयोग करें और बड़े बड़े आश्रम बनते जा रहे हैं देखिए पहले हमें लोग जब सिलीगुड़ी का जो आश्रम था पहले छोटा था कितना तो छोटा सा एक आश्रम था उसमें हम लोग रहते थे फिर जो छोटा हुआ तो महाराज जी ने एक बगल वाली ज़मीन खरीदी फिर उसमें प्रोग्राम होने लग गया फिर वो भी छोटी पड़ गई तो फिर आपके लिए कितना बड़ी ये जगह ली यहाँ पे प्रोग्राम होता है तो जब परिवार बढ़ता है तो बड़ी जगह लेनी पड़ती है लेकिन जब बड़ी ज़मीन होगी तो उसमें ज़्यादा सेवा करने को होगा कि नहीं होगा अब यहाँ की ज़मीन इतनी बड़ी है तो यहाँ पे भाई तुम करोगे कुछ खेती करोगे कुछ फल लगाओगे फूल लगाओगे तो बिना मेहनत के तो होगा नहीं बिना सेवा के तो होगा नहीं और अगर आप ही आश्रमों में नहीं आओगे और कहोगे कि भाई हमारे पास तो समय नहीं है तो फिर इतने बड़े आश्रम की देखभाल कैसे होगी भाई जी महात्मा जी तो प्रचार करने के लिए जाएंगे ना वो तो यहाँ पे खेती करेंगे नहीं यहाँ की बागवानी तो करेंगे नहीं अगर खेती बागवानी करेंगे तो आप लोगों के गाँव में जाके शहरों में जाके सत्संग कैसे करेंगे ज्ञान का प्रचार और प्रसार कैसे करेंगे इसलिए जो आश्रम है उस आश्रम की देखभाल करना उसकी साफ सफाई रखना उसकी निगरानी रखना ये भक्तों का कर्तव्य होता है भक्तों का दायित्व तो होता है और गुरु महाराज जो आश्रम बनाते हैं वो अपने लिए नहीं बना रहे आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप लोग यहाँ आएंगे आपके बच्चे यहाँ आएंगे आपकी भावी पीढ़ी यहाँ आएगी तो साधु सा, महात्माओं का संग मिलेगा सत्संग मिलेगा तो उनके अंदर अच्छे संस्कार पैदा होंगे अच्छे बीज रोपित होंगे और अगर आप लोग दरबार में आते आप देखो कितने छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर सुंदर भजन गाते हैं कितने सुंदर सुंदर नाटक प्रस्तुत करते हैं अगर आप संसारी जीव के किसी बच्चे से पूछ लो तो उसे पता भी नहीं होगा ये क्या कर रहा है वो नहीं जानते होंगे अपने रामायण की बातों को महाभारत की बातों को वेदों की बातों को उपनिषदों की बातों को उनको नहीं पता होगा लेकिन प्रेमी के बच्चे हैं आश्रम में आते हैं तो सब बातें उन्हें पता होती है तो सब जो आते हैं तो उनके अंदर संस्कार पड़ते हैं जब हम अच्छी जगह जाएंगे अच्छा हमें संग मिलेगा तो हमारे बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार रोपित होंगे अच्छे जो है उनके अंदर संस्कार पैदा होंगे वो अपने जीवन में जब हमारे अंदर अच्छे संस्कार पैदा होंगे तो हम आगे चल के इस भारत देश के अच्छे नागरिक बनेंगे आप एक घर बनाते हो तो सबसे पहले ध्यान में रखते हैं कि उसकी नींव अच्छी होनी चाहिए नींव मजबूत होनी चाहिए जब नींव अच्छी होती तभी उसमें एक मंजिल दो मंजिल तीन मंजिल इंजीनियर पूछता है कितने मंजिल का आपको घर बनाना है अगर आप कहोगे एक मंजिल तो उतनी तरह वैसे ही वो नींव डालेगा आप कहेंगे दो मंजिल तो और मजबूत डालेगा कहेंगे तीन मंजिल तो और मजबूत डालेगा आप कहेंगे चार मंजिल का हमें घर बना तो और मजबूत डालेगा नींव डालेगा और उसमें मोटे मोटे सरिया डालेगा उसका जो स्ट्रक्चर है उतना ही मजबूत करेगा कि भूकंप से ये जो है मकान गिरे नहीं कभी जो है ऐसे, ऐसे ऐसे भूचाल आ जाते हैं ऐसी ऐसी हवाएं चलती हैं कि जो मकान गिर जाते हैं आपदाएं आती उसमें बड़े बड़े मकान ढह जाते हैं तो लेकिन अगर नींव मजबूत है तो बड़े बड़े तूफान से भी वो घर नहीं गिरते तो इसी तरह से हमारे बच्चों की भी अगर नींव मजबूत होगी संस्कारी नींव होगी तो हमारे बच्चे भी संसार की भौतिक चीज़ों में संसार में रहेंगे तो भौतिक चीज़ें देखने को मिलेंगी और भौतिक चीजें देखने को मिलती है तो बच्चा उस चीज को जल्दी आकर्षित होता है उसके पर आप एक बच्चे को अगर अच्छी बात समझाएंगे तो दस बार समझाएंगे तब उसके बात समझ में आएगी कईयों को तो वो भी नहीं आती लेकिन बुरी बात जो है वो फौरन कोई माता पिता अपने बच्चे को नहीं कहता कि तुम चोरी करो तुम डाका डालो तुम किसी का गला काटो किसी को गोली मारो लेकिन बच्चा जब इस समाज में रहता है समाज की बुराइयों को देखता है समाज की कुरीतियों को देखता है असामाजिक तत्वों को देखता है तो वो उसकी तरफ आकर्षित होता है और उन कर्मकारों को करने लगता है लेकिन अगर नींव मजबूत है तो संसार के कितने ही आकर्षण आपके सामने आ जाएंगे कितनी भौतिकवाद की चीजें आपके सामने आ जाएगी लेकिन आपके बच्चे का मन उन भौतिक चीजों की ओर डिगेगा नहीं उनकी तरफ वो आकर्षित नहीं होगा और इस समाज में रह के वो अपना जो है जीवन को सच्चरित्र बना सकता है अपने जीवन को एक महान जीवन बना सकता है और जब व्यक्ति का जीवन महान होगा व्यक्ति का जीवन सच्चरित्र होगा तो अपने आप ही देश समाज मोहल्ला सब कुछ जो है अपने आप ही वैसे ही चरित्रवान बनता है आज समाज में देख रहे कैसे कैसे पेपर में टीवी में आप देखते होंगे कैसे कैसे घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं हम भी पहले समाज में रहते थे ऐसी बातें ना सुनने को मिलती थी ना देखने को मिलती थी लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा है हम वह आधुनिक युग की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं तो वैसे वैसे ये सब क्राइम भी जो है उतना ही ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती कि आदमी की आत्मा जो है वो दहल जाती है रोंगटे खड़े हो जाते कि क्या आज का जीव कहां किस दिशा में जा रहा है उसकी मानसिकता कहां जा रही है कैसे वो तो राक्षस से भी ऊपर महान राक्षस बनता जा रहा है दानव बनता जा रहा है कैसे हो रहा है क्यों क्योंकि आज जो जीव जो है अध्यात्म से दूर होता जा रहा है और भौतिकवाद में फंसता जा रहा है ये नतीजा है अध्यात्म से दूर रहने का पहले जो थे घर के बड़े बूढ़े होते थे तो रामायण की महाभारत की उपनिषदों की सबकी कहानियाँ मॉरल साइंस का एक सब्जेक्ट होता था स्कूलों में उसमें सारी जो है नीतिगत बातें बताई जाती थी हमारी पुरानी पुरानी जो कहानियाँ होती थी मॉरल साइंस की वो बताई जाती थी लेकिन आज हम देखते हैं स्कूल में मॉरल साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे एक सब्जेक्ट होता था मॉरल साइंस का लेकिन अब वो सब्जेक्ट ही नहीं है तो बच्चों के मन में पहले से सारी बातें अच्छी अच्छी बातें रोपित की जाती थी जिससे कि बच्चे के अंदर वही संस्कार पैदा हुए लेकिन आज जो है हम इन सब भौतिक वादों में फंसते जा रहे हैं बाहर की कुरतियों में बाहर की विसंगतियों में बाहर की बुराइयों में इसी में फंसते जा रहे हैं और इसी में सोचते हैं कि यही हमारे जीवन का एक ध्येय है एक लक्ष्य है इसलिए आइए हम भी अपने अपने को भी और अपने बच्चों को भी इन बुराइयों से कुरतियों से से दूर करें और अध्यात्म से जोड़े अध्यात्म से तभी जुड़ेंगे जब गुरुदरबार में आएंगे साधु संतों का आपको साथ मिलेगा गुरु महाराज का ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान जो है हमें उन बुराइयों से बचाएगा